अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू इरम शेख व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो अभी जो है मैंने शावर वगैरह लिया है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहाँ बच्चों? कबाब जी फ्राइड जा रहे हैं हम लोग। तो हमने कहा आज फ्राइडे है, अभी जो आने वाले वीक में जो है बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं, तो हमने कहा चले आज ही जो है हम लोग कहीं ना कहीं चलते हैं क्योंकि अब जो है बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ये साहिल मेरा हाथ खींच रहा है। अच्छा जी, अब जो है बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर जो है हमने कहीं जाना नहीं होगा। तो आज बच्चों का जो है बच्चे जो हैं बोर भी हो रहे थे। कल मैं ससुराल अकेली गई थी, बच्चे घर पर ही थे, तो बच्चे बोर भी हो रहे हैं कि हम लोगों ने कहीं जाना है। तो हमने कहा चलो, खाने का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, तो हमने कहा चलें आज जो है आउटिंग पर चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं कबाब जी स्प्राइट, तो आप लोग के साथ भी सब चीज़ें शेयर करूंगी। अच्छा, मैं आते जाते रास्ते में देख रही थी तो मुझे बहुत ही कोई ज़बरदस्त लग रहा था। वैसे तो बहुत जगह ब्रांच हैं इसकी, हमारे घर के भी बहुत ही नज़दीक है, वॉक डिस्टेंस पर ही हैं, लेकिन मुझे जाना है उसी ब्रांच पर जो है वाटर पम्प पर। तो हम लोग जो हैं वो जाने लगे हैं। अभी मैं रेडी शेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा, शावर लेने ही जा रही थी मैं तो, हमारे साहिल को जो है वो फीवर भी हो रहा था, उनकी तबीयत भी डिस्टर्ब थी, तो उन्होंने नाश्ता नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ जो है वो पाकुला दूध वाला जो जूस होता है ना वो पी लिया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला मम्मा मुझे जो है वो अंडा खाना है, चाय पीनी है। तो वही हमारा पाकिस्तानी रवायती, एक की नहीं चाय बनेगी तो सब नहीं पीनी होगी। तो वैसे ही हुआ कि साहिल की नहीं, मैं चाय बना रही थी तो फिर भी मैंने चार कप बना लिए। वो कह रहे मुझे भी पीना, मेरा भी दिल हुआ पीने का और मेरे हस्बैंड का भी। उसके बाद मैंने इनके लिए ऑमलेट बनाया और ब्रेड से उन्होंने जो है वो ऑमलेट खाया। तबीयत डिस्टर्ब थी इसकी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है मेरे मुन्ने को। हुरिया भी जो है वो कब से रेडी हैं? वालेकुम सलाम। इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जाने की कि बस बाहर चलो, बहुत ज़्यादा शौक है। इन्होंने अपनी डायरी बनाई हुई, उसमें एक हॉबी भी अपने यही लिखा हुआ है कि मुझे आउटिंग का बहुत शौक है। दिखाओ नहीं, नहीं तुम्हारी पर्सनल डायरी है, मैं नहीं दिखा रही। ठीक है, तो बस तुम रेडी हो ना, और तो कुछ नहीं करना ना। चले ओके, चले अब हम भी चलते हैं ड्रेसिंग की तरफ और रेडी होते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले लूँगी ओरिएंटल जो है कैरिलॉन टीवी स्टिक का। मैंने जो है क्वार्टर में लिया हुआ है क्योंकि मैं एक ही फेस की हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा रहता है। तो जी, हम लोगों ने इससे अपने क्या करने हैं, पिंपल्स को छुपा देना है। और जो है आजकल मैंने आप लोग अभी लास्ट वीडियो में बताया कि मेरे पिम्पल्स जो हैं वो दो तीन निकल ही रहे हैं। सो अभी हम लोगों ने डार्क एरियाज़ जो होते हैं हमारे फेस पर उसको कवर करना है। आजकल जग जग के आँखों के नीचे इतने सिया हल्के पड़ रहे हैं कि बस। तो मैंने जो है उसको कवर करना है नोज़ के साइड पर, लिप के साइड पर। ये जो हमारे डार्क एरियाज़ होते हैं इसको हम जो है अच्छे से ओरिएंटल से कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम अच्छा मैंने सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया था, तो आप लोगों ने भी लाजमी मॉइस्चराइजिंग करनी है। और एक और बात कि जब भी आप मेकअप करने से पहले अपना फ़ेस वॉश करें तो वो जो है आप किसी अच्छे सोप से करें, ठीक है, फेस वॉश से नहीं करिएगा क्योंकि उससे जो है ना ऑयल आता है आपके चेहरे पे और आपका मेकअप जो है वो ठहरता नहीं है। तो आपने ये करना है, और जिसकी ज़्यादा ऑयली स्किन है वो आइसिंग करें पहले, आइसिंग करने के बाद जो है वो मेकअप स्टार्ट करें, तो उससे भी आपका मेकअप जो है वो फिक्स रहेगा। आजकल तो वैसे ही फिक्सर वगैरह इतने अच्छे अच्छे से चल गए हैं। तो उसके बाद मैंने ली है टीवी पार्लर की बेस्ट 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 टीवी स्टिक, उससे जो है मैंने अपना किया मेकअप। मेरे पास आइवोरी कलर है इसमें और ये बहुत अच्छा है, नो डाउट। आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल आपके फेस से नहीं हिलता, ठीक है, आपके पैचेस नहीं पड़ते और ये बहुत ही कोई अमेजिंग रिज़ल्ट है इसका। उसके बाद मैंने अपने फेस पर जो है इस तरह से पूरे फेस पर मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको करूँगी ब्रश के मदद से पूरे फेस पे अप्लाई, अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है हमने अपने फेस की। उसके बाद हम लेंगे फेस पाउडर। तो हम लोगों ने फेस पाउडर को जो है वो टैप 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 करके लगाना है, इसको रगड़ना नहीं है वरना आपका जो स्टिक आपने लगाई है वो आपकी हट जाएगी, ठीक है। तो हमने टैप टैप करके जो है इसको सही से अच्छे से लगा देना है। अच्छा, मैं लूज़ पाउडर जो है वो यूज़ करती हूँ। आगे इंशाल्लाह मेरी कज़न की शादी आ रही है तो मैं वो भी मेकअप करूँगी, तो आप लोग के साथ इंशाल्लाह ट्यूटोरियल जो है उसका शेयर करूँगी, ठीक है।
अच्छा फिर मैंने लिया आई शेड हुदा ब्यूटी का, और उसमें मैंने ब्राउन शेड लिया और इस तरह से पूरी अप्लाई कर लिया थोड़ा सा। फिर मैंने लिया ग्लिटर अपनी आईज़ पे, मैंने हल्के हल्के हाथ से जो है वो लगा लिया बिल्कुल लाइटली लाइटली, क्योंकि मैंने तो जाना था एक रेस्टोरेंट, तो बस इसलिए लाइट लाइट से ही जो है मैंने आई शेड लगाया। और उसके बाद मैंने क्या लगाया था, हाँ मेरे आज दिल कर रहा था आँखों में काजल लगाने का, तो मैंने ये जो सुरमी होती है ना, जो हमारे दादा नाना नानी दादी अम्मी अबू जो लगाते थे, ये मेरे पास सुरमी रखी हुई है। इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं ना कि ये जो है फैलता नहीं है, आपकी आईज से इधर से उधर नहीं जाएगा। अच्छा इसका टिक, अच्छा मेरी जो है ना वीडियो, मैंने समझी मेरी प्ले है, लेकिन मैं वीडियो पूरी बना रही थी लेकिन वो प्ले ही नहीं की थी मैंने, बस मैं ऐसी खड़ी हुई थी। तो फिर मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने वो पूरे ट्रिक आपके साथ शेयर की थी, वो मैंने यूँ ट्रिक शेयर की थी कि आपकी इसकी जो सिलाई होती है ना काजल की, उसको आपने बालों से पहले फूंक मारनी है, फिर अपने बालों से साफ़ करनी है, उसके बाद लगानी है। अगर आप डायरेक्ट लगा लेंगे तो सारा काजल आपकी फेस पे जो है वो गिर जाएगा, आपका पूरा फेस ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का एहतियात करना है कि पहले फूंक मारनी है इसमें, फिर उसके बाद अपने बालों के ज़रिए उसकी जो स्टिक है वो साफ़ करनी है, उसके बाद आँखों पर लगाना है, ठीक है। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था, मैंने लेंस लगाए और मैंने जो है इस तरह से काजल लगा लिया। मुझे काजल जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा लगाती थी, लेकिन जो और काजल होते हैं, भले आप जितने भी ब्रांड से ब्रांड काजल ले लें, लेकिन वो लाजमी लाजमी फैलते हैं, लेकिन इस सुरमी में एक ऐसी बात है कि ये जो है वो फैलता नहीं है। उसके बाद मैंने ब्लशर लगाया है, ये लाइट पिंक वाला लगाऊंगी मैं। अच्छा जल्दी जल्दी मेरी सारी बहनें जो हैं वो मुझे कमेंट्स में बताए कि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं, जैसे कुछ लगा रहे होते हैं, तो हमारा मुंह क्यों खुल जाता है, हम इतनी कोशिश करते हैं कि मुंह बंद रखें। अच्छा जब मैं वीडियो बना रही होती ना, तो मेरा फोकस जो है ये ऐसे ही होता है कि जो है मेरा मुंह जो है वो बंद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो खुल ही जाता है। सो कोई बात नहीं, खुल जाता है, तो सबके साथ ही ऐसा होता है। ब्लशर लगाते लगाते मुझे याद आया मैंने कंटूर तो किया ही नहीं, तो कोई बात नहीं मैं अभी कर लेती हूँ कंटूर। तो मैंने लिया है ये कंटूर, ये क्रीमी फॉर्म में है मेरे पास, और इससे जो है बहुत अच्छे से जो है वो ब्लेंडिंग हो जाती है। सो आप लोग भी देखें, अभी देखा आपने ब्लशर के बाद भी जो है हम अगर कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, अगर करने वाला हो, अगर मेकअप एक्सपर्ट हो तो। सो आई होप कि आप लोग के लिए यूज़फुल रहा होगा ये ट्रिक भी मेरा, तो अगर आप लोग भी भूल जाएं तो कर लिया करें। और कितने अच्छे से जो है वो ब्लेंडिंग हो गई आप लोग ने देखा होगा। उसके बाद मैंने लिप ग्लोज लगाया है, ये वाला जो है न्यूडली कलर, न्यूड कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अच्छा अगर हम आँखों पे जो है थोड़ा सा काजल वगैरह लगाएं या लाइनर वगैरह जो है वो शार्प आइज़ बनाएं अपनी, तो उसके लिए हमें न्यूड ही कलर लिपस्टिक का लेना पड़ता है, तो वही अच्छा लगता है। अगर आप डार्क लिपस्टिक लगा लोगे तो वो जो है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। उसके बाद मैंने सफ़ायर का जो है हाईलाइटर है मेरे पास, तो मैंने वो लगाया है, और हाईलाइटर से जो है देखिए आप लोग कितना अच्छा लुक आ जाता है। और थोड़ी देर बाद जब 10-15 मिनट मेकअप को हो जाते हैं, जब मेकअप गफ हो जाता है, तो और ज़्यादा अच्छा लुक देता है। सो यहाँ मैं हो गई रेडी, मैंने अपना पर्पल कलर का ड्रेस पहना है, उसके और ट्राउज़र था मेरा ऑफ वाइट कलर का, लास्ट में आप लोग को दिखेगा फुल लुक। और जो है मैंने छोटे से टॉप्स पहन लिए थे, उसके बाद जो है मैं थी रेडी, पर सब हम लोग जो हैं वो जाने लगे थे। मैंने पहने इसके साथ शूज, ठीक है, और हम लोग जो हो रही है, आ रहे हैं जन्म लाला को लेना। A few moments later. ये हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, और मैंने आप लोग को बताया कि हमारे घर के करीब में भी था, लेकिन मुझे ये वाली जो ब्रांच इनकी बहुत खूबसूरत लगती थी। सो आप लोग भी देखें, इनका एनवायरनमेंट, इनकी एम्बियंस बहुत ही कोई आला थी। फिर हम लोग जो है मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों ने खाना क्या है, तो जो है हम लोगों ने लिए थी कॉम्बो 2 डील,
वो अच्छी थी। उसमें जो है जिंगा बर्गर्स भी थे, क्रंच बर्गर भी थे और क्रिस्पी पीस भी थे, सब चीज़ें थी। लेकिन फ्राइज़ और नगेट्स जो थे ना, वो हम लोगों ने सेपरेट ही लिए थे। ये हुरिया मेरी जो है जूम कर करके जो है वीडियो बना रही थी जब मैं ऑर्डर कलेक्ट कर रही थी। बस हम लोग जो हैं ऑर्डर दिया, फिर उन्होंने हमें टेबल नंबर दिया, हम लोग जो हैं वो ऊपर चले गए थे। साहिल ने जाना था सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे कोई भी नहीं था, फर्स्ट पर ही सब बैठे हुए थे। वो जाहिर सी बात है स्पेस थी फर्स्ट पर, तो हम लोग भी फर्स्ट पर ही बैठ गए थे। अगर स्पेस नहीं होती तो मजबूरन हमें सेकंड पर जाना होता। सो बहुत ही कोई खूबसूरत था, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये हमारा ऑर्डर स्लिप थी। तो जी हम लोगों ने जो है ये चीज़ें खाई थी, नगेट्स फ्राइज़ जो है हम लोगों ने सेपरेट लिए थे, बाकी सब डील में थी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी। अच्छा कबाब चीज़ ये हम जो है मेन रोड पूरा दिख रहा था, तो हम लोग यहीं पर कॉर्नर पर ही बैठ गए थे क्योंकि व्यूज़ अच्छे आए हमें। अच्छा जी, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। हमने पिक्स वगैरह जो हैं वो ले ली थी, यहाँ सैनिटाइज़र रखा हुआ था। फिर हम लोगों ने सब ने, साहिल ने तो खेल बनाया हुआ था, इतना इतना सारा लेकर जो है वो अपने हैंड वॉश कर रहे थे वो सैनिटाइज़र से। फिर हम लोग जी ऐसे बैठे हुए थे, फिर हो रिया पता क्या कर रही थी, वीडियो बना रही थी या जो है पिक्स ले रही थी। अच्छा मुझे जो है ना इनकी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स बहुत अच्छी लगी थी, और इन्होंने सारा कुछ अपना ब्रांड बना दिया है, पाकिस्तानी ब्रांड है इनका और बहुत ही कोई ज़बरदस्त मज़ेदार है। सो ये हमारा खाना आ गया था, और मैंने तो भाई पूरा बर्गर खाया था क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत शदीद वाली भूख, वरना मैं पूरा बर्गर जो है मुझसे खाया नहीं जाता। तो बस अच्छा सा था, मज़े का था। और कोल्ड ड्रिंक थोड़ी गर्म थी, तो हम लोगों ने जो है वो आइस मंगवा ली थी, हमने कहा हमें आइस ना कर दें। तो जी मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकाल रही थी सबके लिए, मैंने कहा पहले मैं कोल्ड ड्रिंक निकाल लेती हूँ, वरना खाना खाते वक्त जो है सब बच्चे जो है डिस्टर्ब करते हैं, कोल्ड ड्रिंक दे दें, ये दे दें, वो दे दें, इसलिए मैंने पहले से ही निकाल के रख दिया था। और मैं जो खा रही थी बर्गर, और सिस्टर ने पूछा आप बर्फ़ लूँगी, तो मैंने कहा हाँ ज़रूर लूँगी। तो उन्होंने मेरी क्लास में भी एक क्यूब्स जो है वो डाल दी थी। चले जी अभी हम लोगों ने जो है खा पी लिया है, रिव्यूज़ भी दे दिए, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है इन लोगों की, और अच्छा पाकिस्तानी ब्रांड जो है बेस्ट है, और मुझे जो है वो केएफसी से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये पाकिस्तानी ब्रांड इज़ अ बेस्ट। तो अभी हम लोग चलते हैं, सॉफ्ट सेल है बराबर में, तो हम लोग खाएँगे वहाँ पर आइसक्रीम, ठीक है। और अभी देखें हम लोगों ने जो है खाया भी है और बचाया भी है। सो अभी हम लोग जो है मैं तुम ना आइसक्रीम नहीं खाओगे, तुम्हें ना खांसी हो रही है बहुत। कबाब जी स्प्राइट के जो बराबर में बिल्कुल सॉफ्ट सेल था, तो हम लोगों ने वहाँ से आइसक्रीम खा ली। मैंने कहा चले मीठे में भी तो कुछ खाना चाहिए ना, तो हमने मीठे में जो है वो आइसक्रीम खा ली। और मैंने जो है वो कौन सी खाई थी, लावा आइसक्रीम खाई थी। वो बहुत ही टेस्टी होती है सॉफ्ट सेल वालों की, और स्वीट क्रीम की भी बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी होती है। तो हमारी आइसक्रीम आ गई थी, किसी और का ऑर्डर भी हमारी टेबल पर रख दिया था, हमने कहा भाई हमारा नहीं है ये ऑर्डर। उसके बाद मैंने ये वाला केक खाया था जी, ये वाली आइसक्रीम खाई थी, बहुत ही कोई मज़े की थी। और सिस्टर ने जो है ये वाली खाई थी, पत्नी कौन क्या नाम ले रही थी उसको भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा, बहरहाल ये भी टेस्टी थी, उन्होंने मुझे टेस्ट करवाई थी। उसके बाद हम जा रहे थे अपने घर। मैं आ गई हूँ घर, सिस्टर को उनके घर पे ड्रॉप किया, वहाँ से हम लोग आ गए अपने घर पर। राहिल के नहीं है तो मैं पार्सल लेकर ही आ गई थी, क्योंकि हम लोगों ने इतना तो खाया नहीं था। सो वो जो है अब खा रहे हैं खाना, हमारा वेट कर रहे थे हम लोग सॉफ्ट सेल पर, क्योंकि बैठ गए थे आइसक्रीम वगैरह भी खाने, तो इस वजह से भी हमें थोड़ा सा टाइम हो गया। अब जी यही करूँगी अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।